आरोप बना रहे हैं। अभी मंगल पांडे जी ने हमसे कहा कि ये तो इसका बर्थडे है ना, मैंने कहा जैसे ये दूसरी जन्मदिन है, मैं मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण श्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री प्रेम कुमार जी, अवधेश नारायण सिंह जी, सबों का मैं कैंसर के इलाज के लिए एक ही छत के नीचे सभी समुचित इलाज का कोई व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए ऐसा देखा गया कि चूंकि कैंसर एक बहुत ही भयावह शब्द है और लगता है उसको होने पर कोई आदमी को लगता है कि भाई कैंसर हो गया तो उसके जिंदगी में अंधेरा आ गया, तो उसके लिए हम लोगों ने इस अस्पताल का नाम ही रखा सवेरा। सवेरा का मतलब हुआ कि अगर किसी के जिंदगी में कैंसर का डायग्नोसिस हुआ जो अंधेरापन आ जाता है उसके लिए एक सवेरा कस्टियन के रूप में ये सामने सवेरा हॉस्पिटल हमने प्रस्तुत किया है समाज को। इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं और हम लोग निरंतर कोशिश किए जा रहे हैं तो और नई नई टेक्निक्स की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ अवेलेबल हो। आगे हमारे डॉक्टर बीपी सिंह आपको बताएंगे कि विगत दो सालों में हम लोगों ने कितना इस अस्पताल में कैंसर का कितना इलाज किए हैं, साथ ही इस अस्पताल में चूँकि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है इसलिए इस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक यूनिट भी है जहाँ रोबोटिक सर्जरी द्वारा नी और घुटना और कूल्हा का प्रत्यारोपण भी होता है। रोबोटिक सर्जरी पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक ही सेंटर है जो पटना है और इस रोबोटिक सर्जरी के द्वारा बहुत ही नए तकनीक से बहुत ही कम समय में घुटना और हिप का रिप्लेसमेंट होता है, वो भी एक नई चीज इस अस्पताल में है। आओ यार पीछे दूरदर्शिता ने इस अस्पताल को कैंसर के इलाज में डॉक्टर साहब मेरी फोटो यही है अपने हमारे परम आदरणीय पद्म श्री डॉक्टर आर एन सिंह सर चेयरमैन सवेरा कैंसर हॉस्पिटल। धन्यवाद सर। उपस्थित बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हम सबों के अभिभावक और इस सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एन सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हम सबों के बड़े भाई और गया के माननीय विधायक आदरणीय प्रेम कुमार जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर बीपी सिंह जी, डॉक्टर आशीष सिंह जी, सवेरा अस्पताल के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी नर्सेस, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्नेही भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी संस्थान के जीवन में जब वर्षगांठ का अवसर होता है तो वह दिन बहुत ही महत्व का होता है और आज दूसरा वर्षगांठ है, दूसरा साल पूरा हुआ है और मैंने डॉक्टर आर एन सिंह जी को जब आया तो मैंने कहा कि सर आज इस हॉस्पिटल का तो हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू सवेरा कैंसर हॉस्पिटल एंड ऑल द फैकल्टी। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुझे तो 2018 का वो दिन याद पड़ रहा है जब 2018 में मुझे डॉक्टर आर एन सिंह जी ने बुलाया था
ये अस्पताल पूरा बना नहीं था, इस अस्पताल के बाहर एक मंच बना था और उस मंच पे हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। एक दीप मैंने जलाया था, मिट्टी का वो दीप था, मुझे याद है। और स्वास्थ्य मेला यहाँ लगा था और उस दिन ये घोषणा हुई थी कि बहुत शीघ्र ये अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा। और उसके ठीक एक दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर से लौट के, वहां भी प्राइवेट हॉस्पिटल दरभंगा में, मुजफ्फरपुर नहीं दरभंगा में प्राइवेट हॉस्पिटल का सरसंघ चालक जी आए थे और उसका उद्घाटन हुआ था और वहां से मैं यहाँ आया था। और उस वक्त मैंने कहा था कि यह अस्पताल जब शुरू होगा तो राज्य की जनता को राहत मिलेगी। और उसी दिन मैंने यहाँ ये भी कहा था कि मुजफ्फरपुर के अंदर भी कैंसर हॉस्पिटल भारत सरकार के सहयोग से शुरू होने वाला है। तो यह अस्पताल तो आज 2 साल से यहाँ चल रहा है और लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से सेवा दे रहा है। जो मरीज आए हैं उसका बहुत विस्तार से समीक्षा हुआ है कि कितने मरीज और किस किस जिले से आए, किन किन रोगों के लिए आए। और मैंने जो मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि मुजफ्फरपुर SKMCH के अंदर भी कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो गया है, वहां भी हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं। और राज्य के 13 जिलों में जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनकी स्कैनिंग का काम 13 जिलों में इसी साल, संभवतः 4 फरवरी शायद कैंसर डे होता है, 4 फरवरी को ही उसकी शुरुआत हमने राज्य के 13 जिलों में करा दी है। तो यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। और ठीक कहा डॉक्टर VP सिंह जी ने कि जब आप मुंबई कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे अधिकतर मरीज बिहार और उत्तर प्रदेश के दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेरे मन में यह था कि राज्य की जनता को जो राज्य के बाहर जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, जितना ज्यादा हम व्यवस्था इस राज्य के अंदर बना सके। और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कभी भी बेहतर परिणाम तभी आ सकता है जब सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानें मिलकर काम कर सकती है। मैंने दुनिया के कई देशों को देखा है और सभी देशों में स्वास्थ्य सेवाएं तभी बेहतर होती हैं जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बेस्ट सर्विसेज देने के प्रयास करते हैं। और देश के अंदर और बिहार के अंदर भी, जहां एक तरफ राज्य की सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने का काम कर रही है, वहीं हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आज बड़े बड़े अस्पताल आ रहे हैं और बड़े अस्पतालों के द्वारा बढ़िया सुविधा दी जा रही है। सर्वाइकल कैंसर को भी हम सब लोग दूर कर सकते हैं, उसके लिए भी वो एक इंजेक्शन आया है और वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन को भी ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना, बच्चियों को दिलवाना ताकि मैरिज के पहले हम सब लोग उन बच्चियों को दे दें तो उसको सर्वाइकल कैंसर से हम लोग बचा सकते हैं। उस दिशा में भी सरकार आगे सोच रही है और प्राइवेट संस्थानें भी काम कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिस कैंसर को हम 3rd स्टेज में भी जाने पे पेशेंट्स को बचा सकते हैं, लेकिन यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, 1st स्टेज में डिटेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को बहुत जल्दी बेहतर तरीके से रिकवर कर सकते हैं। मैंने देखा भी लगभग 25% महिला पेशेंट उसी कैंसर से, बीमारी से ग्रसित होती है। तो इन सारे चीजों पे हम जितना व्यापकता के साथ काम करेंगे उतना बेहतर होगा। और मैं जब 2018 में भी आया था तो मैंने डॉक्टर RN सिंह जी को कहा था कि सर आपने नाम बहुत ही अच्छा रखा है, इस अस्पताल का नाम सवेरा रखा। मैंने भी उस समय यही बात कही थी कि सर जब कैंसर किसी के जीवन में आता है तो अंधेरा हो जाता है, वह उजाले की तलाश में रहता है, सवेरे की तलाश में रहता है। सूर्य जब उगता है तो उसको हम सवेरा कहते हैं, जीवन की शुरुआत वहां से होती है, दिन की शुरुआत वहां से होती है। और निश्चित रूप से इस सवेरा अस्पताल से आके जो मरीज जब बाहर निकलेगा तो उसके जीवन की शुरुआत होगी, ये मेरी सोच उस समय भी मैंने अपनी बातों को कहा था और आज वह सोच परिणाम दे रहा है यह देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो यही बगल में रहता हूँ और रोज इसी रास्ते से आना जाना होता है, एक बार नजर उठा के सवेरा अस्पताल की तरफ जरूर देखता हूँ। और इस बात को मैं ध्यान में लाता हूँ कि यहाँ कई लोगों का बेहतर इलाज हो रहा होगा, लोग ठीक होकर जा रहे होंगे। और हम सब लोगों के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने इस अस्पताल की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था, तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। और डॉक्टर साहब तो उनका जीवन ही जन कल्याण के लिए लगा रहता है और संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज की सेवा की है, जनता की सेवा की है, अब तो राष्ट्र की सेवा की भी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब के कंधों पर आई है और हम सब लोग उनके सहयोगी हैं उस काम में। तो हम सब लोग मिलकर बेहतर तरीके से काम करेंगे और यह अस्पताल बहुत बेहतर तरीके से लोगों को सेवा देता रहे। एक बार फिर से इस अस्पताल के सभी
फैकल्टी मेंबर्स को, सभी स्टाफ्स को, सभी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं क्षमा भी चाहूंगा खास करके अपने सभापति जी और अध्यक्ष जी आदरणीय प्रेम कुमार जी से, चूंकि अभी एक जरूरी मीटिंग में मुझे जाना है, समय पर उपस्थित होना जरूरी होगा, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हुआ यहाँ से अभी बीच में जाने की गलती करूंगा, लेकिन गलती करना जरूरी है इसलिए मैं जाऊंगा आप सब लोगों की अनुमति से। इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंगल पांडे सर जी से एक अनुरोध है सवेरा अस्पताल की तरफ से। सर, हम लोग ने मुख्यमंत्री योजना के लिए भी कैंसर के अप्लाई किया हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि गरीब मरीज बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगर उसमें सरकार का